ये जो फ्रिज दिखाई दे रहा है ना आपका, ये स्पेशल आइसक्रीम के लिए फ्रिज है, ग्लास वाला। ये देखो, ये साइड में बर्फ दिख रही है, ये इतनी बर्फ तो कम से कम आपके फ्रिज के ऊपर होनी चाहिए, तब उसमें मतलब वैसे तो माइनस का ही होता है, लेकिन अगर बर्फ नहीं है तो आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। दूसरा, कई भाई क्या करते हैं, जैसे ये फ्रिज है, डीप फ्रिज, इसमें क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक रखी है, इसमें साइड में जो ये जाल दिख रहा है, इसमें जाल में ना आइसक्रीम सेट कर देते हैं, सोचते हैं कि आइसक्रीम बिक जाएगी, मतलब इस एक फ्रिज में ही कोल्ड ड्रिंक भी और आइसक्रीम भी। अब डिटेल में बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या होने वाली है। अभी जो मैंने दुकान पे, अपनी दुकान पे जो फ्रिज दिखाया ना, एक आइसक्रीम का दिखाया और एक जो कोल्ड ड्रिंक रख देते थे, दूध रख देते, वो बहुत से भाई क्या करते हैं, जो आइसक्रीम का फ्रिज है उसको नहीं लेते, वो सोचते हैं कि हमारे पास डीप फ्रिज है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, दूध रखते हैं, कुछ भी सामान रखते हैं वो रख देते हैं, उसी में आइसक्रीम रख देते हैं। अब लोचा समझाता हूँ आपको क्या है, और सबसे ज़रूरी बात है, डिटेल में देखना पूरी वीडियो को, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, डिटेल में देखना पूरी वीडियो बगैर स्किप किए। तो वीडियो करता हूँ शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देर ना करते वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए, छोटी सी वीडियो होगी, 3 से 4 मिनट की, इससे लंबी होने वाली नहीं है। क्या होता है, बहुत भाई सोचते हैं कि आइसक्रीम रख लूँ, सभी सोचते हैं कि रख ले यार, इसमें फ़ायदा है। देखो सीधी सी बात है, फ़ायदा है, पर उसका खर्चा भी देख लो। रोज़ का कम से कम, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, 40 रुपये खर्चा मान के चलो, बिजली का 40 रुपये बिल एक दिन का, 35 से 40 रुपये फ्रिज का खर्चा मान के चलो, इतनी सेविंग चलो आपकी आइसक्रीम से हो जाएगी। उसके बाद क्या रखना आप लोगों को, मैंने मोबाइल को हाथ में पकड़ा हुआ है, क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को। आज मैं उस पर स्टैंड पे लगा के नहीं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये है इन्वर्टर, और ये क्या लिखा हुआ है, सोलर। ये सोलर वाला इन्वर्टर है, डबल बैटरा, एक बैटरा ये है और एक ये है, आपको दिख गया सोलर इन्वर्टर, ठीक है। अब बता देता हूँ आपको, ये सोलर इन्वर्टर क्यों लगवाया मैंने, सिर्फ आइसक्रीम के लिए लगवाया, आइसक्रीम के फ्रिज के लिए। मान लीजिए किसी दिन लाइट नहीं आई, तो आपको कम से कम डबल बैटरी का तो इन्वर्टर चाहिएगा आइसक्रीम रखने के लिए, डबल बैटरी का इन्वर्टर चाहिएगा, जो लमसम मान के चलोगे 30,000 रुपये का, सोलर वाला इन्वर्टर प्लस डबल बैटरी, 30,000 रुपये का आपका ये खर्चा, प्लस आपको सोलर की प्लेट ऊपर लगवानी पड़ेगी, उसका भी लगा लो आप लगभग 1 किलोवाट तक का, मेरे ख्याल से 40,000 रुपये तक का वो भी होगा। तो कुल मिला के टोटल खर्चा आपका सोलर का प्लस इन्वर्टर का 70-80 हज़ार रुपये के करीब का आपका खर्चा होने वाला है, अगर जिस दिन लाइट नहीं आई, ठीक है। आपका फ्रिज, आइसक्रीम का फ्रिज ऐसा होता है जो 24 घंटे चलना चाहिए, एक भी मिनट बंद नहीं होना चाहिए आइसक्रीम के फ्रिज को, ठीक है। एक भी मिनट आइसक्रीम फ्रिज बंद हो गया तो ये मान लो 2 घंटे की उसकी टाइम होता कि भाई 2 घंटे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद ना दो ढाई तीन घंटे के बाद धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाती, और एक बार आइसक्रीम मेल्ट होगी ना, चाहे बाद में आप उसको फिर लाइट लगा के जमा देना, लेकिन वो चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि मेल्ट हो जाएगी, उसका शेप ही बदल जाएगा, आइसक्रीम का आकार चेंज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैंने सोलर का इन्वर्टर लगवा रखा है। अब जिसका बजट इतना है कि भाई सोलर का इन्वर्टर कम से कम, चलो जिसके यहाँ लाइट कम जाती है, कम से कम 2 बैटरी का इन्वर्टर उसके पास होना चाहिए, 2 बैटरी का, सोलर ना भी लगवाओ लेकिन 2 बैटरी का इन्वर्टर उसके पास होना चाहिए, आइसक्रीम वही रखना जो 70-80 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा इस चीज़ पे लगा के चल सके, 1 किलोवाट का सोलर, नहीं तो 30,000 रुपये इस चीज़ के, भाई सोलर का नहीं, सॉरी हमें ये इन्वर्टर चाहिए, 2 बैटरी का प्लस इन्वर्टर, तभी आप आइसक्रीम का काम शुरू करना, उसके बाद अदरवाइज मत करना। अब बात कर लेता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दुकान पे फ्रिज दिखाया, एक आइसक्रीम का दिखाया, एक डीप फ्रिज दिखाया। बहुत से भाई क्या करते हैं, आइसक्रीम को ये सोचते हैं कि मेरे पास डीप फ्रिज है, मैं उसमें रख दूंगा। अरे वो डीप फ्रिज है, वो माइनस टेम्परेचर का नहीं है, वो कोल्ड ड्रिंक्स दूध वगैरह रखने के लिए है, उसमें आपकी कोल्ड ड्रिंक्स दूध वगैरह होगा, आइसक्रीम नहीं आएंगी। आइसक्रीम अगर आपने उसमें रख दी ना, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देखी थी ना भी आपने मेरे फ्रिज में, वो क्या होगी, वो बोतल अंदर ही अंदर फट जाएंगे। आप ये करके भी देखना, किसी को अगर एक्सपेरिमेंट करना है, अगर उसमें आपने आइसक्रीम भर दिया ना, तो वो सारी कोल्ड ड्रिंक्स आपकी ख़राब हो जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक फट जाएंगी, और दूसरा आइसक्रीम आपकी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो माइनस टेम्परेचर वाला नहीं है, दोनों चीज़ों में नुकसान आपका ही होगा। तो उस आइसक्रीम का फ्रिज होता माइनस टेम्परेचर का, और वो माइनस का नहीं होता, तो आइसक्रीम के फ्रिज के लिए, आइसक्रीम के लिए आपको माइनस टेम्परेचर वाला ही फ्रिज लेना है, एजेंसी से ले लो या फिर अपना खुद का ले लो, बात
बराबर है। अगर किसी एजेंसी का लिया, वेदीलाल का लिया, हैमूर का लिया, किसी भी कंपनी का लिया, तो वो कंपनी बोलेगी कि आपको मेरी आइसक्रीम बेचनी है। आप अपनी तरफ से लेते हो तो 30,000 के लगभग आ जाएगा, तो फिर आप किसी भी कंपनी की उसमें आइसक्रीम बेच सकते हो, सारी कंपनियों की, लोकल भी रख सकते हो, हर कंपनी की आइसक्रीम उसमें आप रख सकते हो, जिससे आपका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे हैं सर मेरे पास ये फ्रिज है, मैं इसमें कर लूँ, सर मुझे आइसक्रीम रखनी है, फ्रिज कहाँ से मिलेगा? अरे आइसक्रीम तो रख ले मेरे भाई, उसके बाद उसके खर्चे के भी बारे में सोच लेना। लाइट भाग गई तो 2 बैटरी का इन्वर्टर होना चाहिए आपके पास, सोलर होना चाहिए प्लस। किसी दिन ये मान लो कि पूरा दिन लाइट ही नहीं है, 2 बैटरी का इन्वर्टर कितनी देर काम करेगा? फिर 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे उसके बाद भी लाइट नहीं है, तो फिर वो सोलर काम करेगा आपका। इसलिए मैंने सोलर भी लगवा रखा है प्लस 2 बैटरी का इन्वर्टर। ये सब खर्चा मान के चलिए कि आपका लगभग 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा इतना आएगा। ठीक है, तो समझ गए, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई। उस भाई को जो एक दो भाई ने बड़े कमेंट कर करके मुझे परेशान कर रखा था, परेशान नहीं सॉरी, आप लोगों का प्यार है, उसने बोला कि, मैंने उसको रिप्लाई भी किया था व्हाट्सएप पे, उसने कमेंट किया था कि भैया आप सोलर का इन्वर्टर लेके तभी उसको काम चालू करना। एक चीज़ और बताऊँ, चलो मैं भूल गया था, 2 बैटरी प्लस 1 इन्वर्टर जो हम घर पे लगाते हैं वो इन्वर्टर नहीं लगवाना आपको, सोलर का इन्वर्टर जो मैंने दिखाया ना अभी वो इन्वर्टर लगाना। सोलर का इन्वर्टर थोड़ा सा मेरे कॉस्टली होगा, ऐसा ही होगा कोई 12-13 हज़ार रुपये के लगभग, इतने रुपये का आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी लाइट भागेगी ना, छोटा जो इन्वर्टर होता है उसमें कट मार जाएगा, इन्वर्टर आपका कट मार जाएगा, उसका लोड नहीं ले पाएगा। लेकिन जो सोलर का इन्वर्टर है ये 2500 वोल्ट का है, ये आपका उस फ्रिज का लोड ले लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ? तो जिस भाई के पास सोलर का इन्वर्टर है, 2 बैटरी का इन्वर्टर है, वही आइसक्रीम का फ्रिज लेना, अदरवाइज मत लेना। उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई थी नॉलेज देने के लिए। तो उम्मीद करता वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।